सिर्फ आविश्री और मैं आपका अपने YouTube चैनल गेट ऑनलाइन एजुकेशन पे दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर के आइकन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको बेसिक ग्रामर की क्लासेस मिलती हैं। और अब आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी ज्वाइन हो सकते हो। आप सिंपली गेट ऑनलाइन एजुकेशन डाल के सर्च करिए या फिर आपको हमारे चारों चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर दीजिएगा। आज आप लोगों ने थंबनेल देख के जान ही लिया होगा कि आज हम लोग की ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली क्लास है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट एक वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें हम लोग ने 16 सेंटेंस को जानना था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट उसकी में हमारे चैनल पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग आज सेंटेंस नंबर 17 लिखा है, स्पीकिंग टू लैंग्वेज, मतलब दो भाषा बोलने वाला। जैसे कोई इंसान है वो दो लैंग्वेज यूज़ करता है, ठीक, जैसे मराठी हो गई, गुजराती हो गई, हिंदी और इंग्लिश, ठीक, टू कन्वर्जन हो गए ना लैंग्वेज का, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिलिंगुअल। क्या बोलते हैं, बिलिंगुअल। हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विभाषिक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर स्ट्रक्चर, हिंदी में जानते क्या है, पौधे और उनकी संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन। जो साइंस होती है, साइंटिफिक जो स्टडी होती है ना, किसकी, प्लांट्स की हो गई और ट्रीज की हो गई, उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कैसे उसमें ग्रोथ होती है, सब चीज़ की जो स्टडी होती है वो किसमें की जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉटनी। जो लोग साइंस बायोलॉजी लिए होंगे उनको पता होगी, जियोलॉजी और बॉटनी टू पार्ट्स में हमारी जो बायोलॉजी होती है वो डिवाइड होती है। जो जियोलॉजी होती है उसमें लोग जानवरों का अध्ययन करते हैं, मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनके बारे में पूरी स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग जो एनवायरनमेंट होता है, पेड़ पौधे होते हैं हमारे, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी, मतलब वनस्पति विज्ञान। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, अ पर्सन हु स्टडीड प्लांट्स, अ पर्सन हु स्टडीड प्लांट, अब वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो प्लांट के बारे में स्टडी करता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट। क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट, मतलब वनस्पति वैज्ञानिक। अब वो भी देखिए, वो भी बॉटनी था, ये बॉटनिक है, बॉटनिस्ट है। उसमें देखिए कैसे डिफरेंस था, इसमें एक साइंटिफिक स्टडी होती है हमारी, उसमें हम लोग जो पढ़ते हैं उस शाखा को, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी, और जो इंसान इसकी स्टडी करता है, ठीक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनिस्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, फिर से रिवाइज करते हैं, बॉटनिस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, दैट विच हैपेंस वंस इन टू ईयर, वह जो दो साल में एक बार होता है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो दो साल में एक बार होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिनियल। क्या आपकी हिंदी क्या होगी, द्विवार्षिक, द्विवार्षिक। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेट थिंग, स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेट थिंग्स, अब क्या है इसकी हिंदी पर देखते हैं, फिर समझते हैं इसको, पवित्र चीज़ों के बारे में अनादर पूर्वक बोलना, डिसरिस्पेक्टफुली मतलब होता है अनादर पूर्वक, मतलब किसी को सम्मान ना देने, किसी की कोई रिस्पेक्ट ना करना, ठीक है, मतलब क्या हिंदी में क्या है, पवित्र चीज़ों के बारे में अनादर पूर्वक बोलना। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो ब्लेसफेमी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्लेसफेमी बोलते हैं। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेट थिंग्स, मतलब ब्लेसफेमी, इसकी हिंदी होती है ईश निंदा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखते हैं, अ लिस्ट ऑफ बुक, अ लिस्ट ऑफ बुक्स, मतलब बुक, किताबों की सूची जैसे बोलते हैं, उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैटलॉग। क्या बोलेंगे हम लोग, कैटलॉग, हिंदी में सूची पत्र। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखते हैं, लेकिन अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर उन सभी लोगों को कर दीजिए जिसको हमारे वीडियोस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है,
एन एनिमल लिविंग ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, एक दूसरे जानवर के मांस पर रहने वाला जानवर, मतलब जीवित रहने वाला जानवर, वो जानवर, वो एनिमल जो किसी अदर एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक। मतलब जब जैसे लायन हो गया, वो खुद तो खा नहीं, खुद तो कुछ कर नहीं सकता है, वो दूसरे के जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है, मतलब उन लोग को मार के उनका शिकार करके उसको खाता है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। जैसे कार्निवोरस में कौन कौन होता है हमारा, लायन हो गया, टाइगर हो गया, और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बियर हो गया, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, कार्निवोरस एनिमल, मतलब मांस बक्षी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखते क्या है, ए डिजीज विच स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, अ डिजीज विच स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, हिंदी में देखिए क्या है, इसकी फैली हुई बीमारी, रोग जो एक विस्तृत क्षेत्र में फैल गया हो, एक ऐसी डिजीज, एक ऐसा रोग जो किसी, जो मतलब एक जगह जो इन्फेक्टेड होती हैं, है ना, इन्फेक्टेड जो डिजीज होती हैं या फिर फैलने वाली डिजीज होती हैं, जैसे दाग हो गया, दाँत जो होता है वो सब क्या एलर्जी हो गई कोई चीज़ की, वो एक जगह नहीं होती, वो मतलब पूरे अगर हाथ में एक जगह पे हुई तो चाहो तो वो फैल जरूर जाती है। ये सब क्या होती है, हमारी कॉम्युनिकेबल डिजीज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्युनिकेबल डिजीज, मतलब संक्रामक रोग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, पर्सन लिविंग एट सेम टाइम, मतलब एक ही समय में रहने वाला व्यक्ति, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंटेम्पररी, क्या बोलते हैं, कंटेम्पररी, मतलब समकालीन। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, अ पर्सन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, वह व्यक्ति जिसने कुछ गलत किया हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कन्विक्ट। अब व्यक्ति कन्विक्ट मतलब किसका, मतलब क्या आप समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई पर्सन है, उसने कोई गलत काम किया, जैसे चोरी हो गई, ठीक है, या फिर कोई ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्विक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, कन्विक्ट, मतलब अपराधी, दोषी जिसे बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, देखते हैं, दैट विच कैन बी बिलीव्ड, मतलब वह जिस पर विश्वास किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिबल। क्या बोलते हैं, क्रेडिबल, मतलब जो विश्वसनीय होता है, जिस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, मतलब बिलीव कर सकते हैं उस पर्सन पे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिबल, यू आर क्रेडिबल फॉर मी, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, अ पर्सन हु इज़ अपोज्ड टू चेंज, मतलब परिवर्तन का विरोध करने वाला व्यक्ति, जो चेंजेस होते हैं उसमें जो मतलब जो विरोध करता है, जो उसके अपोज्ड होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव, मतलब अपरिवर्तनवादी, कंजर्वेटिव मतलब अपरिवर्तनवादी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, अ पीरियड ऑफ हंड्रेड ईयर्स, मतलब 100 साल की अवधि, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंचुरी। क्या बोलते हैं हम लोग, सेंचुरी मतलब सदी। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, आज का ये लास्ट सेंटेंस, इसके बाद का आज का वीडियो हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और 15 सेंटेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। लिखा है, द गुड्स कैरीड बाय अ शिप, प्लेन और व्हीकल, इसके लिए मीनिंगफुल सी मिस्टेक, इसको आप दोबारा समझ लीजिए, इसको हम कट कर दे रहे हैं। वो सामान, गुड्स मतलब होता है सामान, ठीक है, जो सामान होते, बड़े बड़े सामान होते, वो कोई शिप या फिर प्लेन, एरोप्लेन के द्वारा या व्हीकल्स के द्वारा लिया जो यहाँ से वहाँ तक ले जाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्गो, मतलब जहाज का भार, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, जहाज का भार। और अगर आप इसको मीनिंग प्रॉब्लम होती है, इसको मीनिंग हम आपको नेक्स्ट सेंटेंस में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।